सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जिला पुलिस की टीम ने चोरी की बाइक रिकवरी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 20 बाइक बरामद करने में सफलता पाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 11 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर शहर और मुफस्सिल के अलावा उजियारपुर, रोसड़ा, दलसिंहसराय आदि थाना क्षेत्रों के बताए गए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों से बरामद की गई बाइकों में से 14 बाइक वाहन मालिकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौंप दिया गया। जानकारी देते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जिले में चोरी हो रही बाइकों की रिकवरी के लिए अलग अलग 5 टीमों का गठन किया गया था। सभी टीमों द्वारा अलग अलग तकनीकी अनुसंधान के तहत चोरी की गई बाइकों में से 20 बाइक बरामद हुई है। इस दौरान हाक्स टीम ने भी 5 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल किया है। एसपी ने बताया कि बरामद की गई बाइकों में से 14 बाइकों को उसके मालिक को तत्काल सौंप दिया गया। एसपी ने बताया कि जिले में चोरी हो रही बाइकों की रिकवरी के लिए बनाई गई टीम का नंबर पुलिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सार्वजनिक करेगी। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति यह जानकारी दे सकता है कि उसके आसपास अगर कोई चोरी की बाइक या वाहन का उपयोग कर रहा है तो उसे तत्काल रिकवर कर चोर को गिरफ्तार किया जाएगा। 5 टीम का नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक अर्चना कंचन, फैजुल अंसारी, मंजुला मिश्रा, निरंजन कुमार तथा राजन कुमार कर रहे थे। अभियान चलाए थे ऐसे 20 दिन पहले आप लोग अवगत हैं। मोटरसाइकिल रिकवरी टीम बनाई गई थी 5। उद्देश्य हम लोगों का ये था कि शहर में जो भी आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हैं अपराधी, चाहे मद्य निषेध कानून का उल्लंघन हो, लोग अक्सर चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, लावारिस मोटरसाइकिल मिल जाती है तो उसका उपयोग करते हैं, चोरी करते हैं मोटरसाइकिल फिर उसका उपयोग करते हैं। पूर्व की जो आपराधिक घटनाएं थी उसका विश्लेषण भी हम लोगों ने किया और जो शराबबंदी के कानून का उल्लंघन भी जो लोग करते हैं और जो होम डिलीवरी सो कॉल्ड करी जाती है उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया तो समझ में आया था कि चोरी की मोटरसाइकिल बाइक का उपयोग होता है। तो हम लोगों ने इसके एक अभियान चलाया, शुरू किया है अभियान, उसका पहला फेज़ आज खत्म हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य यह है और साथ ही हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना बताई थी कि जो भी लोग समस्तीपुर ज़िले के निवासी हैं उनको हम लोगों के सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से और व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है जहाँ पर डायरेक्टली, और आज मैं टीम का भी मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूँ, आपको प्रेस विज्ञप्ति मिल जाएगा कि इस नंबर पर डायरेक्टली वो लोग, यदि आपके पड़ोस में, घर में, आसपास कोई चोरी की गाड़ी उपयोग कर रहा है तो आप सीधी सूचना हमको दीजिए, वो सूचना सीधे हमारी टीम प्रभारी तक पहुँचती है। और इस टीम का जो 5 टीम हम लोगों ने बनाई है, पांच टीम का उद्देश्य यही है कि जो इनके पास सूचना आए चोरी की गाड़ी कोई उपयोग कर रहा है तो उस मोटरसाइकिल को ये लोग पकड़ें, उसको बरामद करें और साथ में चोर को पकड़ें, चोर को जेल भेजा जाए और वो मोटरसाइकिल बरामद करके कोर्ट से उसको छुड़वाया जाए और छुड़वाने के पश्चात उसके धारक को हम लोग उसको दे दें। तो पहला फेज समाप्त हुआ है, टोटल 11 चोरों को भी हम लोगों ने पकड़ा है और 20 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं जिसमें से 13 आज आपके सामने हम लोग अभी दे रहे हैं ओनर्स को। बाकी 5 मोटरसाइकिल हमारी हॉक्स टीम के द्वारा बरामद की गई थी, जो हॉक्स टीम के द्वारा लावारिस गाड़ियाँ थी तुरंत बरामद की गई और तुरंत वो टीम को मालिकों को सुपुर्द की जा चुकी हैं। तो पहला अभियान हम लोगों का समाप्त हुआ है, इसमें टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मैं अपनी 5 टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए और ये टीम लगातार कार्य करती रहेगी। इनका उद्देश्य यही होगा कि जो पब्लिक इन पर सूचना देगी इनके मोबाइल पर, इनका मोबाइल नंबर भी अभी सार्वजनिक किया जाएगा और हमारा एक गोपनीय नंबर तो है ही, उस मोबाइल के व्हाट्सएप पर आप लोग डायरेक्टली सूचना अगर देंगे तो चोरी की गई मोटरसाइकिल पर हम लोग लगाम लगाने में अगर सफल होंगे तभी आपराधिक घटनाओं में और शराबबंदी के कानून को भी अक्षरशा पालन कराने में हम लोग समर्थ हो पाएंगे। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, पहला फेज समाप्त हुआ है, टोटल 14 मोटरसाइकिल हैं जो भी हम लोग दे रहे हैं और बाकी 5 मोटरसाइकिल उनके धारकों को पहले भी दे जा चुके हैं। तो पहले